वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जल्द ही एक बड़ी घोषणा की जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मॉडल बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 20 दिन के अंदर एजेंसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 350 से 400 करोड़ रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उस पर काम शुरू हो सके। अनुराग ठाकुर ने इससे पहले राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़मानगढ़ में पौधरोपण किया। उसके बाद देहरा के IPH रेस्ट हाउस के समीप जनता के कार्यक्रम में शिरकत की व लोगों की समस्याओं को भी सुना तथा उन्हें यह आश्वासन दिया। हमारा प्रयास है कि अगले 15 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए और सितंबर महीने के अंत से पहले केंद्र में उसकी एक बैठक हो जाए ताकि पहले 350 से 400 करोड़ रुपया हम हिमाचल प्रदेश को दे सकें ताकि देहरा और धर्मशाला का काम शुरू हो। ऐसे नए प्रोजेक्ट भी आएंगे लेकिन उससे पहले प्राथमिकता है कि जो पहले के चल रहे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, उसके लिए प्रयास है कि अगले 1.5 साल के अंदर हिमाचल का सारा काम पूरा हो जाए। भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन की मैं 2 तारीख को मीटिंग लेने वाला हूं, जिसका हमने काम शुरू कर दिया है ताकि उसको आगे और कैसे बढ़ा पाएं। 20 किलोमीटर तक की हमने जमीन अधिग्रहण करने का काम किया, उससे आगे का काम शुरू करवाने वाले हैं।